फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर माय ट्रैवलर्स। और ब्रेकफास्ट के बाद अब लोग अभी जा रहे हैं क्वेरिम बीच, और हम लोग कवर करेंगे क्वेरिम के भी आज। उसके बाद अरम्बोल देखते हैं टाइम कैसा होता है, अरम्बोल भी कवर कर सकते हैं। टाइमिंग के हिसाब से हम लोग फिर डिसाइड करेंगे कि हम लोग कवर करेंगे कि नहीं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे का अपडेट मैं आपको देते जाता हूँ। क्वेरिम बीच यहाँ से और 10 मिनट का ही रास्ता है, और राइट साइड में आप जो रास्ता देख रहे हो और जो ब्रिज है, ये आपको सीधा महाराष्ट्र लेके जाएगा। ये बॉर्डर एरिया है और ये ब्रिज क्रॉस करते ही आप सीधा महाराष्ट्र में एंटर कर जाएंगे। मौजिम से ये लगभग 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो उसका मैं रूट डिटेल एक लास्ट में डाल दूँगा, आप वो भी देख लेना। और ये ऑलमोस्ट लाइक पूरा नॉर्थ में है, गोवा के पूरा नॉर्थ, इसके बाद सीधा महाराष्ट्र का बॉर्डर चालू है। हम लोग अभी क्वेरिम बीच के पास पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको पार्किंग दिख रहा है, राइट साइड में भी पार्किंग है। आई थिंक जहाँ पे खाली जगह मिले आप वहीं पे लगा दीजिए। आप देख सकते हैं ये श्री आजो देवस्थान है, जो कि क्वेरिम बीच पे ही है, पार्किंग के बाजू में ही है। गाड़ी हम लोगों ने वहाँ लगा दिया था, और यहाँ से आप कुछ फूल, यहाँ से कुछ फूल आप ले सकते हैं पूजा चढ़ाने के लिए। और अजूबा भगवान को यहाँ पे कोस्टल एरिया में काफ़ी मानते हैं लोग, ये इनकी विघ्नहर्ता की तरह काम करता है, संकट मोचन की तरह काम करता है, इसलिए लोग यहाँ पे काफ़ी मात्रा में आते हैं और पूजा चढ़ाते हैं ताकि सारे संकट दूर हो जाए, समंदर के रिलेटेड जो भी हैं, जो भी उसके आसपास रहते हैं वो शांति से रह पाएँ। तो आगे हम लोगों ने पूजा किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूजा चल रहा है अभी। काम धंधो व्यवसाय लाभ कर, आरोग्य सुखी रात, घर की कई अड़चने आपके दूर कर, धनाजी कल्याण कर। सब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा बीच सैक बना हुआ है। ये देखिए, और इस साइड में भी आप देखिए। बीच सैक का रेट वही है, अगर आप बेड लेते हैं तो बेड का रेट 100 रुपीज़ है पर आवर, और अगर आप यहाँ से कुछ खाना पीना ऑर्डर करते हैं तो ये फ्री हो जाता है। ये देखिए, देखिए यहाँ से फ्री हो जाता है जब आप कुछ खाना पीना ऑर्डर करते हैं, नहीं तो 100 रुपीज़ पर आवर है। ज़्यादा क्राउड आज नहीं है, कुछ रशियंस हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट ज़्यादा क्राउड इस बार नहीं है। और जस्ट नज़ारा एंजॉय कीजिए, आप आगे देखिए, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, आप एंजॉय करिए यहाँ पर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए यो मै ट्रैवलर्स को, ताकि ऐसा ही मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। तो अभी हम लोग क्वेरिम बीच पे हैं, और आप देख सकते हैं ऊपर सम पैरासेलिंग भी हो रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। देखिए पैरासेलिंग हो रहा है पहाड़ के ऊपर से, आई थिंक
आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और जो वहाँ पे क्वेरियम केव्स हैं जो कि अभी बंद है, लेकिन वहाँ पे हम लोग जाके एक बार देख के आते हैं। और आप बाकी का इधर बीच सेक्स बहुत सारा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। उस साइड पे कुछ वाटर स्पोर्ट हो रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वाटर स्पोर्ट चल रहा है उस साइड पे, ये रहा। एज कम्पेयर टू अदर बीच इस पे थोड़े लोग कम हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम नॉर्थ में है। और यहाँ से और थोड़ा आगे जाएंगे तो हम लोग महाराष्ट्र बॉर्डर टच कर जाएंगे, तो आप बोल सकते हैं कि ये सबसे लास्ट बीच है जहाँ पर डिसेंट क्राउड आपको मिल जाएंगे। चलिए हम लोग आगे जाके देखते हैं केव के पास क्या सीन है, उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो हम लोग इस तरफ क्वेरियम केव के तरफ आए थे, बट आई थिंक यहाँ पे बंद है। आप देख सकते हैं ऊपर कुछ वहाँ पे लोग हैं, उस साइड से जाना पड़ेगा। केव लेकिन बंद है, सो हम लोग यहीं से आके फ़ोटो वोटो उठा के यहाँ से वापस चले जाएंगे सैक्स में, और यहीं से खाना खा के यहीं पे हम लोग लंच कर लेंगे अपना। थोड़ा फोटो सेशन कर रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, अभी हम लोग ब्लू सी व्यू मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट के पास हैं। यहाँ पे हम लोग अभी लंच करेंगे, जो कि एग्जैक्टली अरम्बोल के पास में ही है, अरम्बोल बीच के लग के ही है। मेरे पीछे यहाँ पे अरम्बोल बीच का व्यू दिखता भी है इस साइड में। तो चलिए पहले अंदर जाके देखते हैं आज खाने में क्या है, और अगर कुछ मज़ेदार खाना हुआ तो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। इनिशियली हमने सोचा था कि हम लोग क्वेरियम बीच के पास ही खा लेंगे, वहीं पे बीच पे जो रेस्टोरेंट्स हैं वहीं पे खा लेंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मुझे क्लीनलीनेस का इशू लगा, और बच्चों को लेके हमने सोचा कि चलो एक प्रॉपर जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग अपना लंच करेंगे। तो इसलिए हम लोग ब्लू सी व्यू जो कि अरम्बोल बीच के पास है, हम लोग वहाँ पे आ गए। और अभी आप देख रहे होंगे इनका मेन्यू बहुत ही डिसेंट मेन्यू है, लेकिन प्राइस थोड़ा अपर साइड पर आपको लगेगा, मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा। और इनके पास एक्चुअली दोपहर के टाइम पे इनके पास थाली नहीं था, यूजुअली गोवा में हर जगह आपको थाली मिल जाता है, इनके पास थाली नहीं था। और हमने फिश करी और लाइक वाइट राइस मंगाया, तो फिश करी राइस का रेट ऑलमोस्ट लाइक 350 के आसपास था। बच्चों के लिए हम लोगों ने चिकन लॉलीपॉप मंगवाया था और उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, इवन बाद में हम लोगों ने और एक प्लेट भी मंगवाया। जो किंग फिश करी एंड राइस का कॉम्बो था वो हमें समाव अच्छा नहीं लगा, टेस्ट इतना खास नहीं था रेट के हिसाब से, 350 रुपीज़ के रेट के हिसाब से वो टेस्ट हमें नहीं आया, थोड़ा रेट हमें ज़्यादा लगा, ओवर रेटेड लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आ सकें।